शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सौद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने, और वो छुटकारे का वक्त नहीं था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया, और काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है झूठा, क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद करार दे दिया, ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनमें जो मुअज्जिज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो, बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई खास गरज है, ये बात किसी दूसरे मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं, ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है, क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है। असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है, या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है, तो चाहिए कि रस्सियां तानकर आसमानों पर चढ़ जाएं। यहां शिकस्त खाए हुए गिरोहों में से यह भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी, यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर आवाके हुआ, और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा इंतजार करते हैं, और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके जेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे, हर एक उनके आगे रुजू रहता था, और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत और फैसला कुन खिताबत अता फरमाई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा, और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बात यह है कि यह मेरा भाई है, इसके यहां 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है, यह कहता है कि यह भी मेरे हवाले कर दे, और गुफ्तगू में मुझ पर हावी हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुझ पर जुल्म करता है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं, हां जो ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाके से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मगफरत मांगी और झुककर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। तो हमने उनको बख्श दिया, और बेशक उनके लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा मकाम है। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है, तो लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो, और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कायनात इनमें है उसको बेमकसद नहीं पैदा किया, ये उनका गुमान है जो काफिर हैं, सो काफिरों के लिए दोजख का अजाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे? ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें, और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, बहुत खूब बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को असील घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहां तक कि आफ्ताब पर्दे में छुप गया। बोले कि इनको मेरे पास वापस लाओ,
फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ सा डाल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे मुआफ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शाया ना हो, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है। फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है, और बेशक उनके लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी और पीने को भी, और हमने उनको अहलो आयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। और हमने कहा, अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर उससे मार लो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो, जो कुव्वत वाले और साहिब नजर थे। हमने उनको एक सिफत खास आखिरत के घर की याद से मुमताज किया था, और वो हमारे नजदीक मुंतखब और खूबी वालों में से थे। और इस्माइल और अलियसा और जुल्किफल को याद करो, और ये सब भी खूबी वालों में से थे। ये नसीहत है, और परहेजगारों के लिए तो उम्दा ठिकाना है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे, और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगाते रहेंगे, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं, और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख, जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। ये खोलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है, इनको खुशामदीद न कहा जाए। ये दोजख में जाने वाले हैं, कहेंगे बल्कि तुम्ही को खुशामदीद न कहा जाए, तुम्ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोजख में दुगना अजाब दे। और कहेंगे, क्या सबब है कि यहां हम उन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे, क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं। बेशक ये अहले दोजख का झगड़ना बरहक है। कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं, और अल्लाह अकेले और गालिब के सिवा कोई माबूद नहीं, जो आसमानों और जमीन और जो मखलूक उनमें है सबका मालिक है, गालिब है, बख्शने वाला। कह दो कि ये एक बड़ी हौलनाक चीज की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते, मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था, मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना, सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस के, वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इबलीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि
कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और न मैं बनावट करने वालों में हूं। यह कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल कुछ वक्त के बाद मालूम हो जाएगा। صدق الله العظيم।